नहीं क्लैप्स हो जाएगा सेकंड डे दुई साइड फड़े दुई साइड दुई साइड उधर फड़े उधर उधर भैया एक उधर फड़ो उन्हें आखो उधर आई आपने पहली बार वोट किया है किन एजेंडाज को लेकर आपने वोट किया है और क्या मैसेज देंगे वो बाकी फर्स्ट टाइम वोटर्स को आई एम एक्सट्रीमली टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन टू कास्ट देयर वोट इन ऑर्डर टू इलेक्ट द बेस्ट लीडर्स ऑफ दिस कंट्री एंड स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी तो जिस तरह से लगातार कंपेन हुआ है तो क्या मानते हैं किन मेन फोकस मेन एजेंडाज थे उसको आपने नजर रखा जिसको आप मेन एजेंडाज तो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट बहुत जरूरी है एंड कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो पॉलिटिकल एजेंडाज बहुत डिफरेंट होते हैं सबके जो एक साथ लाइन अप नहीं हो पाते एंड उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट फॉर्म होने के लिए लोगों को आना चाहिए अपने वोट कास्ट करने चाहिए बिकॉज जो पोलिंग स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं वो 50-60% है बट इस टाइम वो बढ़ती जा रही है एंड वो और बढ़नी चाहिए ताकि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट फॉर्म हो सके ताकि डिसीजन मेकिंग फर्म हो सके हम इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से कंपेन किया है उससे आप सेटिस्फाइड हैं ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वोटिंग करने आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छे से अवेयरनेस फैलाई है इस बारे में एंड और भी ज़्यादा होना चाहिए और भी ज़्यादा नंबर पे होना चाहिए लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वोट करना कितना ज़रूरी है